नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शहबाज अली। चलिए रुक करें देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना बॉर्डर इलाकों में उठाने जा रही बड़ा कदम, पाक और चीन सीमा पर बनाने जा रही ऐसा सुरंग जिसमें रख सकेगी गोला बारूद। आर्मी और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के बीच हाल ही में इस फैसले को लेकर हुआ MOU साइन। भोपाल सीट से चुनाव लड़ रही प्रज्ञा ठाकुर को बाबा रामदेव ने किया समर्थन, कहा जेल में मिली प्रताड़ना से राष्ट्रवादी प्रज्ञा ठाकुर को हुआ था कैंसर। एयर इंडिया का सर्वर हुआ डाउन, एयर इंडिया के कर्मचारियों से नहीं मिल रहा संतोषजनक जवाब, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्री। बेटे तैमूर के कारण करीना ने स्थगित की हिंदी मीडियम की शूटिंग, मई के बजे जून में करेंगे फिल्म की शूटिंग। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही घर में दी मात, 2019 में अर्धशतक बनाकर हिटमैन रोहित शर्मा बने IPL के उस्ताद। 20 दिसंबर को रिलीज होने जा रही सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी दबंग 3 रणवीर कपूर के ब्रह्मास्त्र से होगी कड़ी टक्कर। कोरिया के पटना क्षेत्र अंतर्गत रेत में दफन मिली एक महिला की लाश, कयास लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या कर रेत में दफन की गई है लाश। कोरिया जिले के मनेनगढ़ शहर में एक बार फिर छाया चोरों का आतंक, बीती रात रेलवे स्टेशन परिसर स्थित किराने की दुकान में दी चोरी की वारदात को अंजाम, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना की फुटेज। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की हालात में आए सुधार, विशेष विमान से लखनऊ रवाना हुआ रविंद्र चौबे का परिवार। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको इसी प्रकार से रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ nationupdate.in में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।